नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका पीजी यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल क्लास में आपका। तो विद्यार्थियों, हमारे दो क्लास चल रही, एक हमारे भारत का इतिहास चल रहा है और एक हमारे न्यू जिले चल रहे हैं। तो आज हम न्यू जिलों की क्लास पढ़ेंगे। 14 न्यू जिला हम कैसे पढ़ेंगे, हमारे धीरे धीरे करते करते हम 14 जिले में पहुंच गए। एक दो और बच्चे हैं, फिर हमारे हो जाएंगे पूरे। कैसे पढ़ेंगे आज, कौन सा न्यू जिला पढ़ने वाले? छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा न्यू जिला है केकड़ी। बिल्कुल ब्लैक ब्लैक आ रहा है वीडियो में, कोई ना, हमें तो पढ़ना है, क्या करना है। केकड़ी, केकड़ी तहसील कौन सी है, कौन कौन सी तहसील है केकड़ी में? विद्यार्थियों, कौन कौन सी तहसील है? ऐसे माना जाता है केकड़ी का पहले नाम था कंकुवती। क्या नाम था वो, मैंने लिखा या नहीं आपको याद कर लेना, ऐसे शायद नहीं आएगा, बाय चांस अगर पूछ ले तो। पहले नाम था कंकुवती, कंकुवती नाम था केकड़ी का, ऐसे माना जाता है। फिर तहसील कौन कौन सी है, टाटोटी। क्या तो तहसील है, याद और नहीं रहती, हमें याद रखना भी नहीं है। टाटोटी, सरवाड़ा, टोडारा, सिंह, बिना, केकड़ी, सावर, ये इनकी 6 तहसील है। कौन कौन सी है, टाटोटी, सरवाड़ा, टोडारा, सिंह, बिना, केकड़ी, सावर, ये तहसील है। हाड़ी रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ है? हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राजसिंह। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ है विद्यार्थियों? टोडा राजसिंह केकड़ी में। पिंपा की तपोस्थली, पिंपा संत है, पिंपा की तपोस्थली कहाँ है? केकड़ी में विद्यार्थियों। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति, राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति कौन सी है? बिना, केकड़ी कहाँ पे है विद्यार्थियों? बिना, केकड़ी में राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति है। फिर है मरु मथुराधीश मंदिर, मथुराधीश मंदिर कहाँ है? सरवाड़ा केकड़ी में। एक मथुराधीश मंदिर है भगवान कृष्ण जी का, ऐसे मान लो मथुराधीश मंदिर, वो कहाँ है विद्यार्थियों? सरवाड़ा केकड़ी में। फिर ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? वो है सरवाड़ा केकड़ी में। फिर सोंखलिया, सोंखलिया गोडावण की शरण स्थली है, गोडावण एक पक्षी है, केकड़ी है। अब ये आ गया केकड़ी में विद्यार्थियों, उनका नाम है शर्मिला पक्षी, वान मोरडी, वो आपको हम जब जीके पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ दूंगी, ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पूरी डिटेल्स। गोडावण की केकड़ी राज्य पक्षी है, ये राज्य पक्षी है, क्या है ये बात लिखाने की नहीं, लेकिन मैंने लिखा क्या, जिसको जो पहली बार कर रहा है तैयारी उसको क्या पता ना समझ पाए, तो मैंने लिखा दिया राज्य पक्षी है। और इसका एक मरु अभ्यारण्य और शरण स्थली है, मरु अभ्यारण्य। फिर कोडामार होली, कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिना, बिना अजमेर ना आ रहा है, पहले अजमेर की थी, अब ये केकड़ी में आ गई, बिना केकड़ी। ये बात है ना, पहले वाली याद रहती, मेरे को बार बार वही बोलना आ रहा, पहले वाला बिना केकड़ी में। इसका स्क्रीन शॉट लो, एक बार और समझा दूंगी मैं आपको। ले लिया होगा, वैसे आज तो दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है आपको। तहसील है टांटोटी, सरवाड़ा, टोडारा, सिंह, बिना, केकड़ी, सावर। हाड़ी रानी, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ है? टोडारा सिंह में। हाड़ी रानी की बावड़ी है विद्यार्थियों टोडारा सिंह। पिंपा की तपोस्थली, पिंपा की तपोस्थली कहाँ है? केकड़ी में। क्या है? केकड़ी में। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति, राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति कहाँ है? बिना, केकड़ी में। मथुराधीश मंदिर कहाँ है? मेर सरवाड़ा केकड़ी में। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? सरवाड़ा केकड़ी में। सोमकलिया गोडावण कहाँ है? केकड़ी में। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिना, केकड़ी की। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने हटा रही, आगे और चल दे। अब तो बिल्कुल छोटे छोटे टपुगड़े से जिले बच्चे हैं, बड़े नहीं है।
तो विद्यार्थियों अंगारों की होली काम की प्रसिद्ध है, केक डीकी है। बुद्ध सागर सरोवर कहाँ है? टोडा राय सिंह में। बुद्ध सागर सरोवर कहाँ है? टोडा राय सिंह में। बुद्ध सागर सरोवर है। भवाई नृत्य के जनक, भवाई नृत्य के जनक कौन है? बागोजी केक डीके है। कौन है बागोजी और कहाँ के केक डीके है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ है? केकड़ी में है। तो विद्यार्थियों इनमें स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए होगा आपने अंगारों की होली केकड़ी, बुद्ध सागर सरोवर टोडा राय सिंह, भवाई नृत्य के जनक बागोजी कहाँ के केकड़ी के, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी केकड़ी में। स्क्रीनशॉट ले लियो, चलो आगे चलते हैं। तो विद्यार्थियों वेरी मोस्ट बात है, बनास नदी अब 7 जिलों से चलती है। बनास नदी अब कहाँ आ गई? केरली जिले में है, 7 जिलों से अब चलती है। इसका उद्गम बनास नदी तो मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब डिटेल से बताऊंगी, अभी तो यहाँ ऐसे ही लिखा दिया, यहाँ से बनास नदी निकलती है। तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से? खमनौर की पहाड़ी से। कहाँ से है विद्यार्थियों? खमनौर की पहाड़ी से। राजसमंद कौन कौन से जिलों को जलापूर्ति करती है? राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाईमाधोपुर। याद रख लेना, डिटेल्स एक बार और बता देती हूँ। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाईमाधोपुर में। बिशुनपुर बांध, ये बात विद्यार्थियों वेरी मोस्ट बात है, बिशुनपुर बांध अब भी टोंक में है। आपको कहीं आपने देखा होगा एक दो यूट्यूबर शायद ऐसे दिखा रहे हैं बिशुनपुर बांध केकड़ी में नहीं, बिशुनपुर बांध अब भी टोंक में है। देवली टोंक में पहले था, देवली टोंक में ही अब है बिशुनपुर बांध। और जलापूर्ति केकड़ी को करती है, ये केकड़ी को जलापूर्ति करती है। तो विद्यार्थी इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा केकड़ी जिला हो गया। ये था हमारा छोटा सा केकड़ी जिला। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। विद्यार्थियों आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़े, और जितनी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे उसके बाद हम अच्छे से पढ़ेंगे, लाइव क्लास पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो। धन्यवाद।